तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मम्मा सुबह सुबह ही ना सिवाय के टाइम में ना सिवाय को ना बहुत सारे ना करा वगैरह मिला था, चांदी के कटोरे वगैरह मिला था। तो हम लोग वो देख रहे हैं कि कौन कौन सा चीज है जो पहले से हमारे पास परे और कौन कौन सा चीज है जो हमें लाना है। तो देखते हैं अभी हमारे घर पे क्या क्या पड़ा है सिवाय के टाइम का। सो गाइस, सिवाय के टाइम में ना पंकज जो है ना सिवाय को ये ला करके दिया था। एक्चुअली ये ना हमें किसी और ने पैसे भेजे थे कि सिवाय को ना पहला गिफ्ट देना है, तो पंकज ने ना इसके लिए लाया था ये चांदी के कटोरे और साथ में चांदी का चम्मच। इसके साथ में ना एक और ना ब्लैक कलर का करा था चांदी का, उसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक का ना स्टोन लगा, बहुत प्यारा है वो ना, काफी ज्यादा अंदर रखा है तो वो निकाल नहीं सकती। और दूसरा मैं दिखाती हूँ, ये वाला बहुत ज्यादा सुंदर है, बट इसके हाथ में आएगा या नहीं पता नहीं है, मैं को एक बार पहना कर देखती हूँ। आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, हाथ बहुत लूज है। और ऊपर से ना ये वाला अगर मैं पहनाऊंगी ना गाइस, अगर आ भी जाता तो ना ये हाथ ऐसे ऐसे मारता है ना तो सारे से लग जाता, तो ये पहनाना इसके लिए अभी सेफ भी नहीं है। थोड़ा बड़ा हो जाए ना फिर उसके बाद ये पहनेगा। तो अभी सिवाय के टाइम का तो इसके पास अभी 3-4 करे परे हैं, तो हमने सोचा कि इसके लिए अभी लाकर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है ना तो इसके हाथ में करे वरे डालना सही नहीं है, इसलिए इसके हाथ में ना हम लोग नजरिया डालेंगे। एंड दादी अम्मा ने अपने पोते के लिए ये लाया है, ये देखो गोल्ड चैन। हाँ, गोल्ड चैन लाया है दादी ने, बहुत पतला सा है, प्यारा सा है, पहना कर रख भी सकते हैं बट अभी नहीं, नामकरण के दिन देखेंगे। एंड गाइस ये भी है ना 50 रुपए का चांदी का नोट है जो सिवाय के टाइम में सिवाय को गिफ्ट आया था। अब ये किसने दिया है मेरे को पता नहीं है, बट ये चांदी का ना 50 रुपए का सिक्का है, ये देखो 50 रुपए का नोट है तो सिक्का अलग होगा, तो नोट है कहा जाएगा ना, क्योंकि नोट है 50 का नोट है जो मतलब चांदी है, तो चांदी अब क्या काम आता है मम्मा और ही जाने, बस गिफ्ट आया है। ये कोई काम हमें सुकून से करने दे तब तो बात बने ना। अब यहाँ देखो बेड पे बैठ करके खब्बी इसको कितना ज्यादा है, बदमाशी करता रहता है पूरा दिन, सिर चढ़ा पूरा पाउडर हो गया, चल नहा गया, फिर आ जाए पूरा पाउडर, देखो इधर पाउडर पाउडर कर दिया, जाओ नहा के आओ, जाओ पहले सुंदर सुंदर बन के आओ, बेबी नहा लिया ना, बेबी नहा धोकर के रेडी भी हो गया, तू भी जा नहा धोकर आओ। अभी गाइज मैं इतने दिन बाद खुद से नहाई हूँ, मैं खुद से नहा धोकर के अभी मतलब बस मैं बैठी हूँ। एंड मेरे को ना अभी मतलब थोड़ा सा ना वो करना है, ये आईब्रो है ना देखो कितना ज्यादा आ गया मेरे को, तब नामकरण मेरे बच्चे का, तो मेरे को सुंदर दिखना तो पूरा हक है ना मेरा, कि फोटोग्राफर वगैरह आ रहा है तो उसके सामने थोड़ी अच्छी दिखूँ, अच्छे फोटो आए अपने बच्चे के साथ, एल्बम बनेगा तो माँ को सुंदर दिखना बनता है, तो इसलिए मैंने अभी ना खुद से आईब्रो निकालने हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा ना वो ब्लैक कलर का कल मैंने चारकोल मंगवाया था, उससे ना पिंपल्स निकालूंगे, मतलब फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ, देखती हूँ कि उससे सच्ची में पिंपल्स निकलता है या नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर इतने सारे रिव्यू देखे उस चारकोल का, सबने ना व्हाइट वो ब्लैक हेड्स निकाले थे, तो मेरे को भी देखना है कि सच्ची में निकलता है या नहीं, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे छोटे छोटे दाने, ये देखो इतने सारे छोटे छोटे दाने, इधर देखो ये देखो कितना सारा दाग धब्बा है, ओए वो फेस पे इसका पाउडर डाल रहा। आज मेरा बच्चा तो मेरे गोद में ही सोया है, देखो कितने दिन बाद अपने बच्चे को गोद में लेकर के बैठी हूँ। अपने बच्चे को गोद में लेकर के गोद में सुलाने का जो सुकून होता है ना वो सच्ची में बहुत ज्यादा अलग होता है। पंकज पता है जब भी आता है ना तो वो कहता है यार मेरे को भी लेना है, बट अभी दो तो मतलब 5-6 रोज का ही तो हुआ है ना, तो इसे उसके गोद में देना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना गला संभालना, कमर संभालना, अभी ये पूरा ना लचीला है, तो इसे ना बहुत ज्यादा देख कर लेना पड़ता है गोद में। एंड अभी तो मेरे बच्चे का मालिश चल रहा है मस्त वाला, तो उसके वजह से ना इसके ना सारे स्किन वगैरह निकल रहे, अरे बहुत बहुत बदमाश है, चल क्यों मारा, छोटा बेबी है ना, चोट नहीं लगेगा इसको, बदमाश है ये, ले जाओ इसको यहाँ से, पाउडर का डब्बा मार दिया इसने। तो गाइज अभी देखो मेरा फेस ऐसा है, ठीक है, एंड अभी मैं जा रही हूँ ये वाला चारकोल लगाने के लिए, ठीक है। ये चारकोल लगाने के बाद मेरे फेस पर से सारे व्हाइट हेड्स, मतलब वो काले काले फुंसी के अंदर जो ब्लैक नहीं, काले काले फुंसी के अंदर जो व्हाइट गंदे रहते हैं ना वो निकल जाएंगे, तो देखती हूँ ये काम करता है या नहीं। दीदी तो लगा रही है अपने फेस पे चारकोल, भूतनी बनने वाली है अभी, देख लेना बाबू तेरे बगल में ही सोया है, ठीक है ना, तो नहीं डरता है उसका मुंह देख। ये देख, ये तो पहले डिस्टेंस ले चुका है। बेटा मम्मी है ये तेरी, डरने की, अब तू बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो जा, अब और क्या, इतना डरेगा तो फिर तेरे को चुड़ैल जैसी गर्लफ्रेंड मिलगी तो। इतना भी बुरवक नहीं है बेबा, सिवाय सिवाय देख, हिल ही नहीं रहा, देख हिल ही नहीं रहा, ये तो दूर से ही प्यार कर रहा है, दूर से नहीं पास में आओ, पास में जाओ, आओ नहीं रे नहीं आएगा, छोड़ दे जल्दी आओ,
छोड़ दे छोड़ दे, बोले मेरा बेटा वोट काट रहे हैं। डर क्या, क्यों डरा, क्या हुआ क्या हुआ? अरे दीदी डरा दी, मैंने बोला था ना। क्या हुआ? नहीं रोते नहीं बेटा, मम्मा है वो तो, मेरी बेबी मम्मा है वो। अरे दीदी पागल है क्या तू, ऐसे मत कर, डर के ने तो रात में सपना में आई तू। मुना को मार रहे थे, लेके जा मुना इसको लेके जा, जा बाहर जा बाहर जा, नहीं देखना भाई बेबी को। तो गाइस देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोचा था कि मैंने जो अर्चि को बोला था पील ऑफ मास्क लाने के लिए, उसने क्या किया, फेस पैक ले आया। तो फेस पैक लाया तो वो ऑलरेडी मेरे पास था, ठीक है, चारकोल वाला। ऐसे दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो मैंने तभी वॉश किया तो ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, मतलब हल्का फुल्का जो आता ना निखार, बस वही आया और कुछ नहीं। पागल बन गए हम लोग ये प्रोडक्ट मंगवा करके। तो चलो अभी टाइम है मेरा खाना खाने का, चावल दाल, और दाल में देखो कितने सारे घी है, घी घी है सिर्फ। पंकज ना जब भी आता है ना तो ये बोलता है मेरे को भी गोद में लेना है, गोद में लेना है। तो अभी ये जगा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ एक बार इसके गोद में दूं मैं। अभी नहीं लेना, नामकरण के बाद लूंगा। अरे तो लियो ना अभी, अभी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो चार दिन में कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये तीन महीने का तेता सा तो है ये पहली बार आया है इसको, आज नई गोद मिली है पहली बार। कहाँ गई इसको देख रही है, टुकुर 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 टुकुर, किसके पास आ गया ऐसा दिख रहा है बेबी, सिवाय कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको नहीं खिला रहा मैं, अब तो मैं बच्चे को इसको ही खिला रहा, इसी बेबी को। उसके पास फोन दे कैसे पकड़ के बैठा है, इसको तो ऐसे फोन मिल गया, जिंदगी मिल गया। आ चुका हो गई मेरी बेबी को, गुस्सा गुस्सा आ रही क्या, हिचकी आ रही है इसको। हाँ हिचकी हिचकी आना मतलब आ तो पड़ना बच्चे का, अब छोटा सा, इतने छोटे से बच्चे को पहली बार लिया, मैं तो इसको भी गोद में नहीं लिया था जल्दी। इसको पता है सिवाय जब हुआ था ना, सिवाय को ऑलमोस्ट किसी ने भी मतलब घर में सिर्फ हम ही लेते थे, अर्सी भी नहीं लेती थी, अर्सी भी बहुत डरती थी। बट इस बार तो ये हुआ ना, इसको अर्सी भी लेती है, मैं भी लेती हूँ, मम्मा भी, और पंकज ने भी ले लिया। सिवाय के टाइम में तो उसको तीन महीने तक किसी ने गोद में लिया ही नहीं, क्योंकि बहुत संभालना होता ना बच्चे को। हम लोग को आता नहीं ना भाई, मम्मी को आता है, इसको आता है, बस एक्सपीरियंस चाहिए बच्चे को संभालने के लिए और गोद में लेने के लिए। कहा हो गई तो मेरे बेबी को, गुस्सा आ गई क्या, निंदी आ गई क्या, देख रहा है निंदी आ गई मेरी बेटी को। इसका शकल पता है बिल्कुल पंकज पे गया, डिट्टो पंकज पे गया है। सही में इसके हाथ देख ले, पैर देख ले, नाखून देख ले, उंगलियां देख ले, सब कुछ तेरे पे। हो सकता है देखते थोड़ा बड़ा होगा तो पता लगेगा, अभी से ही पता लग रहा ना। ये इसका हाथ रुकना ऐसे करना, नीचे मत लटका भाई, लटका नहीं है, इधर भी देख ले क्या दिखता है, देखो क्या दिखता है, लाइट दिख रही है इसको, लाइट दिख रही है, क्या देख रहा तू, कर लो पापा से बातें, मनी मन बात कर रहा है। और हंसरा देख, हंसरा देख, पापा के पास आ गई क्या, हंसी आती है खाली, बातें नहीं आती है बच्चे के साथ। तो गाइस कितना ही टाइम स्पेंड कर लो ना, हम लोग को फिर भी कम ही लगता है। और अपने छोटे बच्चे के साथ मतलब एक तो गोद में जो कुछ कर ही नहीं सकता सिर्फ सोने के अलावा, और दूसरा पूरा दिन परेशान करके रखता है। और मेरा बच्चा तो अभी सोकर जगा है फिर से, ये देखो इसी की कमी थी, इसी की कमी थी, बस आते इसकी बदमाशी शुरू होती है। देखो इतनी सारी लाइटें जल रही है ना रूम में, तो इसको अच्छा लग रहा है। हाँ लाइट है, सिवाय लाइट बोलो, बोलना कब सीखेगा, लाइट 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 बोल बेटा, लाइट बोलो लाइट। कोई ना, जब इसका टाइम आएगा बोलने का तब भी ये बहुत ज्यादा बोलेगा, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, बहुत तरह तरह का सवाल आएगा। साथ में ना गाइस आप लोग भी ना आज से ना प्यारे प्यारे नाम सजेस्ट करो। मैंने आज भी बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि लोगों ने बहुत सारे नाम कमेंट किए थे, तो आप ये मत सोचो कि हम लोग कमेंट आप लोग का पढ़ते नहीं है। मैं कमेंट पढ़ती हूँ एंड साथ में ना उसका रिप्लाई भी करती हूँ, जैसे हार्ट दे देती हूँ किसी को, लाइक का मतलब इधर से लाइक वाला रिप्लाई कर देती हूँ, एंड बहुत सारे बंदों को मैंने तो रिप्लाई भी किया है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताया करो नाम, एंड होप्स आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।